अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हुई मीटिंग गंगो में आज नारायण सिंह की बिल्डिंग में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गंगो इकाई का हुआ गठन, जिसमें दर्जनों विद्यार्थियों को सदस्य व कार्यभार सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री विनीत ऋषि ने सबको शुभकामनाएं दी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मैं विशाल चौधरी, नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गंगो। आज हमारे यहाँ गंगो नगर इकाई की घोषणा हुई, जिसमें हमारे विभाग संगठन के मंत्री विनीत ऋषि जी मौजूद रहे। और आज गंगो में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई टीम घोषित हुई है, और यह टीम हमारे गंगो में नगर में रहकर कार्य करेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ के लिए। और यह हम और हमारी टीम छात्रों के लिए हर समय 24 घंटे सेवा में तत्पर रहेंगे। किसी भी छात्र की समस्या को लेकर हम सदैव तत्पर हैं। मैं विनीत ऋषि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं विभाग संगठन मंत्री हूं, और SFD जो एक विद्यार्थी परिषद का पर्यावरण से संबंधित आयाम है, उसका मैं मेरठ प्रांत का प्रांत संयोजक हूं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गंगो नगर की ये नगर बैठक आज संपन्न हुई है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई सन 1949 को हुई थी, और विद्यार्थी परिषद की स्थापना काल से प्रत्येक वर्ष हम लोग हर साल न्यू मेंबरशिप करते हैं, और मेंबरशिप के बाद में हम लोग चाहे कॉलेज इकाई हो या नगर इकाई हो या आपकी प्रांत इकाई हो, हम सब लोग नगर इकाइयों का हर साल नवीनीकरण करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप हमारी अभी 22 दिसंबर तक चलनी है, 22 दिसंबर को लास्ट है। क्योंकि गंगो नगर में सारी मेंबरशिप हो गई है, तो मेंबरशिप के साथ साथ हमको किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है। तो आज गंगो नगर में एक इकाई को परिपूर्ण करने के लिए, एक अच्छी इकाई, एक आदर्श इकाई बनाने के लिए आज ये बैठक आयोजित हुई है, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक इकाई के माध्यम से एक इकाई में जोड़ने का काम, यहाँ पर इकाई गठन का कार्य आज संपन्न हो रहा है, जिसमें यहाँ पर गंगो नगर इकाई में आदरणीय देवदत्त शर्मा जी हैं जो अध्यापक हैं, उनको इस नगर इकाई का नगर अध्यक्ष, और मेरे सीधे हाथ में बैठे हैं श्रीमान विशाल चौधरी जी, आपको नगर मंत्री, हरवीर जी को सहमंत्री, योगराज सैनी जी को सहमंत्री, साहिल चौधरी जी को सहमंत्री, दीपांशु परमार जी को सहमंत्री, और सागर कुमार जी को SFD का संयोजक, कल्लू चौधरी जी को सहसंयोजक, नितिन कुमार जी को SFS का संयोजक, बादल चौधरी जी को SFS का सहसंयोजक, और सागर कुमार जी को नगर व्यवसाय कार्य प्रमुख, आशू जी को राष्ट्रीय कला मंच का संयोजक, उत्तम चौधरी जी को मीडिया संयोजक, और सुनील कुमार जी को नगर कार्यकारिणी सदस्य की हम लोग यहाँ पर आज सर्वसम्मति से जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और जो विद्यार्थी परिषद एक आज़ादी के तुरंत बाद से भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है, ये सब लोग अपने अपने योगदान से भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ इनमें इन सबको शुभकामनाएँ देता हूँ।